मोदी सरकार ने इन 8 सालों के दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें महिलाओं को मजबूत करने के लिए, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें या फिर 3 तलाक की, 3 तलाक को लेकर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन इसका सीधा लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिला और इसका असर भी देखने को मिला। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय से जुड़े मोदी सरकार ने ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जिनकी चर्चा आज उपलब्धि के रूप में की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। Subject to correction, AS 99, NOS 84, the motion that the bill will be passed is adopted. हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है। 3 तलाक के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा लाए गए कानून को लंबा समय हो चुका है। कानून को पूरी तरह प्रभावी बताते हुए मोदी सरकार दावा करती है कि 3 तलाक आने के बाद 3 तलाक के मामलों में 80% से भी ज्यादा की कमी आई है। हालांकि मुस्लिम संगठन इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब 3 तलाक के मामले को लेकर लोगों के बीच बात की जाती है तो खुद मुस्लिम महिलाएं भी 3 तलाक पर बने कानून की तारीफ करती हैं। और यही वजह है कि मोदी सरकार 3 तलाक को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 तलाक पर बने कानून की जमकर तारीफ करते नजर आते हैं। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने मुस्लिम समाज से जुड़ा कोई फैसला पहली बार लिया हो। 3 तलाक की ही तरह मोदी सरकार ने हज सब्सिडी पर बड़ा फैसला करते हुए सब्सिडी को खत्म कर दिया। दुनिया के मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमान भी सऊदी अरब हज के लिए जाते हैं। भारतीय हज यात्रियों के यात्रा के खर्च का कुछ हिस्सा केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में खुद वहन करती है। ये सब्सिडी उन्हीं हज यात्रियों को मिलती है जो हज कमेटी के जरिए जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इसे खत्म करने का फैसला किया है, जिसका मुस्लिम समाज ने दिल खोलकर स्वागत भी किया। जो हज सब्सिडी थी, उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, खासतौर से लड़कियों बच्चियों के, लड़कों बच्चा महिलाओं के शैक्षणिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो है वो जो शिक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ है समाज, उस शिक्षा के क्षेत्र में उसको बराबरी का एहसास कराया जा सके, उसका सशक्तिकरण कराया जा सके, और इसलिए जो है वो हज सब्सिडी खत्म कर दी गई। इसके साथ ही मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा एक और फैसला लिया कि पुरुषों के बगैर महिलाएं हज पर जा सकती हैं। 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं अब बिना पुरुष अभिभावक के हज पर जा सकेगी और इससे महिलाओं को बड़ा फायदा मिला और भारी संख्या में महिलाएं बिना किसी परेशानी के अकेले ही हज यात्रा पर गईं।